लगातार चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा था, आज जब समय पूरा हो गया है 5 साल का, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर दोबारा देखना चाहिए। पहली जो उनकी घोषणा थी वो ये थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इस समय जहां महंगाई बढ़ गई है, लोगों की आमदनी कम हुई है, बचत है नहीं, तो कमाई जब नहीं बची है, और अगर हम आकलन करें तो आज सभी की आधी कमाई हो गई है और महंगाई दोगुनी है, तो जिस समय आधी कमाई होगी और महंगाई दोगुनी होगी तो खुशहाली कैसे आएगी? क्या आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है? डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है? यूरिया क्या मिल पा रही है? किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया, 700 के लगभग किसानों ने ये जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरीके तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं, और आज मजबूरी में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में, इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। आज बड़े पैमाने पे नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी आए थे, क्या उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया? मुझे कोई बताए कि जौनपुर में नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कौन सा बड़ा निवेश हुआ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आया? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। जो बड़ी बड़ी नौकरियां निकली लगातार, कभी पेपर लीक हो गया, कभी स्थगित करनी पड़ी परीक्षाएं, ये सरकार का काम काज है। इसलिए लगातार किसानों के हित में, नौजवानों के साथ के लिए, कैसे महंगाई रुके, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इनके सांसद विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, कई सांसद विधायकों को अपमानित होना पड़ा, आपके ही बगल में सांसद कूटे गए, तो ये तमाम चीजें जब जनप्रतिनिधियों के साथ हो रही है और जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाब नहीं दे पा रहे, आखिरकार सरकार ने किया क्या 4.5 साल में? ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये डबल इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, इसलिए इसको बदलने के लिए साथ ही साथ लखीमपुर में कौन नहीं जानता किसानों को कुचल दिया, और जो कुचलने वाली जीप थी, जीप को चलाने वाले लोग और चलाने वाले के साथ साथ जो बैठे थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता थे कि नहीं थे? क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ इस प्रदेश की माताएं बहनें बेटियां क्या भूल जाएंगी? क्या आगरा की घटना को भूला जा सकता है? कासगंज की घटना को कौन भूल सकता है? झांसी में जो नौजवान था उसकी पुलिस ने हत्या कर दी, कौन भूल सकता है? आपके जिले में तो लगातार जेल जा रही है पुलिस, पुलिस के ऊपर इनाम घोषित हुआ। आपके गोरखपुर जहां मुख्यमंत्री जी का खुद है जिला, बताइए व्यापारी को मारते मारते नहीं मार दिया क्या? पुलिस की पहली लात में ही जान चली गई उसकी, क्या ये जानकारी नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और हो सकता है जो मैंने पहले दिन से कहा और आज भी कहता हूँ, आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? इसके नहीं धन्यवाद दे दिया मैंने। क्षेत्र बनाए में अगले सरकार ने कहा है अब तो ये सरकार तो नहीं ठीक करेगी। मुझे याद है कि आजमगढ़ से 4 लेन बनने का काम जौनपुर, और जौनपुर से इलाहाबाद
फोर लेन का सड़क का काम समाजवादियों ने दिया था। अब कितना पूरा हो गया ये आप बेहतर समझते होंगे। जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़ने का काम शुरू हुआ था, तो सड़कें अच्छी बनना शुरू है। इसने परियोजना रोक दी और गड्ढे तो इतने हैं कि सड़क नहीं दिखाई दे रही गड्ढों में। प्रधानमंत्री जी ने भोजन किया है कारीगरों के साथ, विश्वनाथ कारीगर। अच्छा, कौन नहीं मजदूर के साथ भोजन करता है? जब जिस समय कैंटीन का खाना सस्ते में किसानों को और गरीबों को और मजदूरों को पौष्टिक आहार मिले, समाजवादी सरकार हम खुद मजदूरों के साथ बैठ करके खाना खाएं? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मजदूरों को हमेशा पौष्टिक आहार मिलता रहे। उसकी योजना उत्तर प्रदेश में चालू की थी समाजवादी सरकार ने, वो योजना क्यों बंद कर दी गई? सवाल आपको ये पूछना चाहिए। छोड़िए ना, ये हमारे सहयोगी दल हैं, इस बार इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया बीजेपी का। और आप क्या सिटकनी बोलते हैं कि चिटकनी बोलते हैं? सिटकनी बंद कर दी इन्होंने। अरे हमसे संबंध तो अच्छे हैं और इनके आपस में भी संबंध है, इन संबंधों की चिंता मत करो। आपको संबंधों की चिंता करनी है। डबल इंजन सरकार, जो पैदल पैदल पहले हो गए सरकार से पहले पैदल, और किनारे होकर के तस्वीर देख रहे हैं। सोचो, तस्वीर किसी की खींच रही है? जो इस चुनाव के दूल्हा होने हैं वो कहीं किनारे पे खड़े हैं। आजमगढ़ का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। जनता बदलाव चाहती है और आप सब भी बदलाव चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, आप भी बदलाव चाहते हो। देखिए, हम माता जी उनकी हमारे साथ हैं, माता जी हमारे साथ उनकी। माता जी हमारे साथ हैं और मैंने कहा कमरा भर चुका है, एक कमरे में जितनी सीटें उतनी ही तो आ सकते हैं। अब गठबंधन थोड़ा बहुत गुंजाइश है जो ये को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं होगा, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता है? बताओ, सिंदूर का रंग लाल है। भाजपा को आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदूर का रंग लाल है कि नहीं है? नहीं, वो ठीक है, उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, तो भाजपा को आप क्या बताना चाहते हैं? ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। और जो लोग, जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। और अभी एक साथी पीछे आवाज दे रहा था, आपने आधुनिक खंडर नहीं देखा? ये आधुनिक खंडर है, जिसको सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज बनना था। मुझे याद है जिस समय मैं जौनपुर के मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कर रहा था, मैंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल का आजमगढ़ से बेहतर और आसपास के इलाके से सबसे बेहतर मेडिकल कॉलेज बन करके आएगा। उस समय अगर आपके ने देखा होगा आर्किटेक्चर, क्या शानदार आर्किटेक्चर था इसका। सब बजट दे दिया गया, क्या वजह कि 4.5 साल में वैसे ही का वैसा दिखाई दे रहा है? इन्होंने आधुनिक खंडर बना दिया। और सुनने में आया कि इसका भी उद्घाटन हो गया जी। अरे जिस अस्पताल में, जो अस्पताल खुद इलाज मांग रहा हो, जो मेडिकल कॉलेज खुद इलाज मांग रहा हो, वो कब गरीबों का इलाज कर पाएगा? और ये मेडिकल कॉलेज इसलिए बना था कि कम से कम जौनपुर के लोगों को इलाज के लिए कहीं भागना ना पड़े बनारस। नहीं, आप देखिए, कोई पत्रकार साथी पूरा सवाल पूछेगा तो पूरा जवाब मिलेगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पूरा सवाल अपने पत्रकार मित्र का बताइए पहले,
जो आपके पत्रकार मित्र सवाल मुझसे पूछ रहे थे। और देखिए आप तो जौनपुर के बगल के लोग हो, जनता ही जानना चाहती चाचा भतीजे कब साथ। ए रुक जाओ भाई, उसका वो देखे, ये भी चाचा है हमारे, ये कहाँ है और चाचा, ये भी चाचा, अरे इधर आओ चाचा, ताऊ जी आगे देखो, सब साथ होंगे। और सवाल ये है कि माँ गंगा की सफाई होगी कि नहीं होगी। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाए। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाए? मेरठ गया था, हिंडन का पानी देखा है मैंने, पानी काला हो गया हिंडन नदी का, काली नदी पहले से काली है, यमुना का किनारा पूरा काला हो गया, चंबल अगर यमुना में ना मिले तो यमुना मर गई है समझ लीजिए। किसने कहा था कि माँ गंगा की सफाई करेंगे? क्या माँ गंगा की सफाई होगी? और यही गोमती जो आपके किनारे से बहती है, क्या माँ गंगा के साथ साथ गोमती की सफाई हो गई? आप सोचिए कितना बजट इस पे चला गया, बजट बह गया, लेकिन कोई नदी साफ नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए माँ गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। सर जौनपुर सर 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 प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री कहे थे खेता सहायक का सड़क बन जाएगा और बना फिर टूट भी गया। मैंने ये कहा कि जनता हो सकती है 400 सीटें हरा दे बाद और आप तो ये बताइए आपके जौनपुर में भी सूची बनी माफियाओं की कि नहीं बनी? कम से कम अगर मुख्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया है तो मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए कि हर जिले के टॉप माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। और आज क्योंकि बगल में बनारस हैं तो बनारस चंदौली भदोई मिर्जापुर जौनपुर के जो टॉप माफिया हैं उनकी सूची कब जारी करेंगे? सड़क के लिए प्रधानमंत्री जी।